देखो, केस टू अगर थीटा हो 0 डिग्री, थीटा क्या हो 0 डिग्री, मीन्स पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। जैसे मान लो ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, तो क्या होगा ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री, कॉस थीटा तो कॉस जीरो क्या होगा 1, डॉट बी क्या हो जाएगा इनका ए इनटू बी, मींस ए के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताओ I डॉट I कितना होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, थीटा 0 है, दोनों x एक्सिस में होते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो कितना आंसर है 1, दोनों के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है पैरेलल वेक्टर। मुझे बताओ j डॉट j कितना होगा 1, पैरेलल 1, तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है, क्या याद रखना है कि I dot I 1 होता है, J dot J 1 होता है, K dot K 1 होता है, बोल जाओ तो कांसेप्ट पता होना चाहिए, और I dot J, K dot J, I dot K ये तीनों जीरो होते हैं, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। हेलो सर, हाँ तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बाद क्या सिखाया था आपने, कब, आज वही तो चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ही तो चल रहा है अभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तो चल रहा है, दो टाइप्स का होता है, स्केलर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तो अभी स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है, डन सर, डन डन सर, ओके। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो, थीटा अगर 180 डिग्री हो मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर जस्ट अपोजिट है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा -1, ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, तो आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू आएगा -A, समझ में आया, लिख लो केस 3। डन सर, डन सर, चलो क्वेश्चन कर दें, जैसे हमें गिवन है a वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 2jk माइनस 3kk एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2ik माइनस 2jk प्लस 4kk, ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड a डॉट b, निकालोगे आगे करके बताऊं, फाइंड a डॉट b से बताऊं, अब देखो इस क्वेश्चन में
ये वाला फॉर्मूला यूज निकलना है, a डॉट b इज इक्वल टू होता है a b cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसकी। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप a और b तो निकाल लोगे, a कैसे निकालोगे अंडर रूट इसका ही करके, b कैसे निकालोगे अंडर रूट, बट थीटा कैसे निकालोगे, थीटा नहीं गिवन है ना। yes. समझ में आया? तो क्या करना है, सिंपल है, a डॉट b निकालना है तो मान लो इसका आंसर आएगा c, तो c is equal to a dot b लिख दिया मैंने। अब a कितना है, a की जगह a वेक्टर की जगह a वेक्टर लिख दो, a कितना है 3ik plus 2jk minus 3kk, ठीक है, b की जगह लिख दो 2ik minus 2jk plus 4kk, बीच में क्या लगा है डॉट प्रोडक्ट, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाला है। अब हमें पता है i डॉट i क्या होता है, 1 है ना? यस सर। यस सर। i डॉट j यस सर। i डॉट j 0 होता है और i डॉट k क्या होता है, वो भी 0 होता है। तो मुझे बताओ i को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, i से करेंगे बस सर, पर थीटा 90 डिग्री नहीं दिया ना क्या सर, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या कर सकते हैं ना, तो आई और आई में थीटा कितना होता है, 0 होता है ना। फिर से देखो, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले इसको इससे कर लूंगा, तो क्या लिखूंगा 3 × 2 = 6 × i·i, तो i·i तो मान होता है ना। फिर उसके बाद अब मैं इसका इससे कर लूंगा, फिर इसी का इससे कर लूंगा, फिर इसी का 3ik का, पहले इसका इन तीनों से करो, फिर इसका इन तीनों से करो, फिर इसका इन तीनों, ऐसे करेंगे ना मल्टीप्लाई। तो इसका मैं इससे किया तो 6 आया, अब इसका 3ik का मैं -2jk से करूंगा तो कितना आया, 0 क्यों, 3 × -2 तो -6 हो गया, बट i डॉट j 0 होता है, तो 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं। अब मैं इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, 0 वो भी 0 आएगा। समझ में आया? तो i के वाले को सिर्फ i के वाले से करो बाकी सब 0 आएगा, j के वाले को सिर्फ j के वाले से करो बाकी सब 0 आएगा, k के वाले को k के वाले से करो बाकी सब 0 आएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो 3 × 2 = 6 + 2 × −2 − 4 + −3 × 4 − 12, तो कितना आंसर आया, -6 − -10 डन। तो इसको फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो a वेक्टर है ax i k plus ay j k plus az k k, and b वेक्टर है bx i k प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के के, ठीक है, एग्जांपल ले इसको फॉर्मूले की तरह लिख लो, तो ए डॉट बी क्या होगा, आई के ना आई के को मल्टीप्लाई करो, जे के को जे के को करो, और के के में के के को करो, सो आई के ना आई के मतलब ए एक्स बी एक्स होगा प्लस ए वाई इनटू बी वाई होगा प्लस ए जेड इनटू बी जेड होगा। तो आगे ऐसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट,
एक्स स्क्वायर नहीं होगा सर, ये एक्स मतलब ये पूरा एक नंबर है, ये मान लो 2 है तो 2 into 3 6 हो जाएगा। अरे मैंने एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्स स्क्वायर को करना है या एक्स छोड़ना लिखा हुआ है, वहां भी एक्स छोड़ना लिखा हुआ है, सिंबल है वो तो कि कंपोनेंट एक्स मतलब ए का एक्स में कंपोनेंट, ए वाई मतलब वाई में कंपोनेंट, जे ए जेड मतलब जेड में कंपोनेंट। समझ में आ गया क्या? यस सर। जो हमने एग्जांपल किया था उसी को मैंने लिखा है, वैसे इसी फॉर्मूले से तो किया था हमने। डन सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझा। डन सर। अब देखो अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल निकालना है तो भी हम स्केलर प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। सो लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे मान लो ए वेक्टर है मेरे पास और बी वेक्टर है, तो मुझे पता है इनका ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कोस थीटा, ये होता है। तो यहां से कोस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये फॉर्मूला है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ए डॉट बी हमने मैंने निकालना सिखाई दिया आपको, ए और बी पहले से निकालना आता है, इसमें पुट करो आंसर आएगा थीटा आएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, डन सर। डन दिस एग्जांपल, एक वेक्टर है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के एंड एक वेक्टर है 3i के माइनस 2j के प्लस 3k के, find angle between a vector and b vector, बताओ। जीरो डिग्री जीरो है, जीरो नहीं है। तो सबसे पहले a डॉट b निकाल लो, a डॉट b तो i के में i के वाले का मल्टीप्लाई हुआ, j के में j के वाले का, k के में k के वाले का, तो ये कितना है 2 into 3 6, ये कितना है 3 into minus 2 minus 6, ये कितना है 4 into 3 12, a डॉट b तो आ गया 12 है ना। अब a और b निकाल लो, तो
a कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, तो ax स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना है रूट 29, b कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आएगा 9 and 18 plus 2 4 22. अब ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले पुट कर दो, cos थीटा इज इक्वल टू a dot b कितना है 12 अपॉन रूट 29 रूट 22, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 12 अपॉन रूट 29 रूट 22, ये आंसर लिख लो। Done, sir. तो एक और बार रिपीट करिए ना। हाँ। A डॉट में निकालना क्या सबको? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, फिर 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 माइनस 6 आएगा, फिर प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, तो 6 से 6 कैंसिल आंसर आया 12। A डॉट B को आ गया 12, तो यहाँ पर 12 लग गया। और A और B निकालना आपको पहले से आता है। A क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं, लास्ट क्लास में कहा था अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ गया b, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस, तो ये आ गया, इसमें पुट कर दिया, ठीक है। हटा दो। यस सर। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सो मैंने बताया था एक बार और लिख लेते हैं, इट इज कम्यूटेटिव, फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि दो वेक्टर है ए और बी, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो इक्वल होता है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, ठीक है। सेकंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो तीन वेक्टर है और मुझे निकालना है ए डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो एक तरीका तो क्या है, आप पहले बी और सी को ऐड करो और फिर उस वेक्टर का ए के साथ निकाल लो जैसे निकालते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ए को पहले बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो प्लस सी के साथ निकाल के ऐड करो, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो सेकंड वाला नहीं समझ, सेकंड वाला क्या है कि ए को बी के साथ, ए को पहले बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो उसके लिखूं ए डॉट बी, फिर बीच में क्या प्लस, फिर ए को सी के साथ निकाल के ए डॉट सी लिख दो, वो ऐड कर दो, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया, आगे समझ में? यस सर, यस सर। Done, sir. अब देखो मैंने आपको कंपोनेंट लेना बताया था ना, जैसे मान लो मैंने बोला था ए के बी वेक्टर है, ए के ए वेक्टर है, इक्वेशन कराया था ना,
मैंने बोला था a का b वेक्टर के अननोन कंपोनेंट बताओ, तो हमने ये एंगल थीटा का यहां से कंपोनेंट लिया था तो ये आया था, है ना, कितना आया था a cos थीटा, याद है कि नहीं याद है? यस सर। मैंने बोला था ना एंगल बेस के साथ cos आता है और परपेंडिकुलर के साथ sin आता है, फिर मैंने बोला था कि b के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में भी कंपोनेंट बताओ, तो यहां से हमने इधर परपेंडिकुलर डाला था तो ये कंपोनेंट आया था a sin थीटा, आया था कि नहीं आया था? यस सर। मान लो अगर थीटा नहीं, मान लो आपको थीटा नहीं पता है तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्या? मान लो थीटा नहीं पता है, अरे क्या क्या हमने समझ में आया कि नहीं आया? ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, क्वेश्चन था अगर तुम रिवीजन करके आ तो पूछा था उस क्वेश्चन में, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये क्वेश्चन करवाया था ना मैंने? हां सर। हां सर। यस सर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो अलोंग बी वेक्टर वाला कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिया था, तो ये कंपोनेंट मैंने सिखाया है आपको कि एंगल के साथ वाला बेस वाला कंपोनेंट में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a है तो ये होगा a cos थीटा और ये होगा a sin थीटा, समझ में आया? बट इसके लिए थीटा पता होना चाहिए आपको। यस yes, सर। अगर थीटा पता नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है स्केलर को, इसका यूज करेंगे। अगर आपको थीटा ना पता हो गया, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पता है और आपसे पूछा कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पर अलोंग बी वेक्टर, या फिर आपसे पूछा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें आना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट जो हमने पढ़ लिया है, समझ में आया? तो टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along another vector, topic kya hai? Component of a vector along another vector, component of a vector along another vector, component of a vector along another vector, ठीक है? जैसे मान लो कि मेरे पास दो vector है, ये b वेक्टर, ये a वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा है जो पता नहीं, है ना? तो मैंने पूछा कंपोनेंट हो a वेक्टर अलोंग b वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, उसके लिए हमें यहां से स्क्रिप्ट पी से हेड से प्रोजेक्शन डालना होगा 90 डिग्री पर, तो ये लेंथ जो होगी वैसे कितनी होगी, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा होगी ना? यस सर। इसका कंपोनेंट आप लोगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे आया था ना a cos थीटा आया था, a इज द हाइपोटेन्यूज, इसमें cos का मल्टीप्लाई करोगे तो बेस आ जाएगा, ठीक है? सो कितना कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर कितना होना चाहिए, a cos थीटा, बट थीटा में गिवन नहीं है, थीटा में गिवन नहीं तो कैसे करेंगे, हमें तो a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, सो हमें पता है we know that a डॉट b वेक्टर क्या होगा, ab cos थीटा, ab cos थीटा, अब ये जो a और cos थीटा है हमें निकालना है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं a और cos थीटा, ये a into cos थीटा ही तो वो चीज है जो हमें निकालना है, निकालने के पता ही है, यही तो निकालना है। हां यस सर। अगर हमें थीटा में डायरेक्ट पता होता तो हम यही निकाल लेते, निकालने के ये सब करने की जरूरत नहीं होती, बट हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि थीटा गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
हमें पता है a डॉट भी होता है ab cos थीटा, तो इसमें से a cos थीटा को अलग कर लो, तो a cos थीटा क्या आ जाएगा, a डॉट b अपॉन a, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अच्छा अपॉन b, हां सॉरी अपॉन, समझ में आया क्या? सो कंपोनेंट ऑफ, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये फॉर्मूला कि कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर का जो फॉर्मूला बना, एक तो ये होता ही है बट थीटा पता नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, a डॉट b अपॉन b, तो याद कैसे रखना है कि जिसका भी जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, a डॉट b को निकालना ही पड़ेगा, और डिवाइड किससे करना है, a से करना है या b से, तो याद रखो जिसका कंपोनेंट अलोंग वाले जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसका डिवाइड करना है, तो अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, ये भी तो निकाल सकते हैं, उसका उल्टा a का b के अलोंग निकाल सकते हैं, तो b का a के अलोंग भी निकाल सकते हैं, तो वो होगा b cos थीटा, b का कंपोनेंट a के अलोंग क्या होगा, b cos थीटा, ये होगा ना, तो यहां से b cos थीटा को अलग कर लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, b cos थीटा निकाल के क्या बचेगा, a cos b अपॉन a, तो क्या आंसर आएगा, a डॉट b अपॉन a, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इनसे आप डायरेक्ट कंपोनेंट निकाल सकते, ये याद करो, लिख लो, इक्वेशन देता हूं, डन सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक मिनट. Equation दे दो. A vector है. 3ik plus 2jk, b vector है 4ik plus 3kk, find दोनों निकालना, first component of a vector along b vector, second component of b vector along a vector, हुआ
सर फर्स्ट का आंसर क्या है? कंपोनेंट ऑफ 12 बाय 5 है फर्स्ट वाला. निकालना पड़ेगा, मुझे नहीं पता. हेलो सर. हां 12 बाय 5 मिल रहा है. चलो देखते हैं. अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो निकालना मैंने बता दिया है. तो मुझे बताओ फर्स्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बनेगा? ए डॉट बी अपॉन बी, ये बनेगा. यस सर. यस. तो ए डॉट बी सबसे पहले तो ए डॉट बी ए और बी ये सब निकालना, फिर पुट कर देना. तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालो. ए डॉट बी कितना आया? ऐसे तो नहीं किया ना. I cap को I cap से, J cap से और K cap को K cap से. अगर किसी में J cap नहीं है तो J cap zero है, किसी में K cap नहीं है तो K cap zero है. तो zero से multiply करोगे zero ही आएगा. So A dot B आ गया 12. Then A कितना है? Under root of 3 square 9 plus 2 square 4. तो root 13. B कितना है? Under root of 4 square 16. प्लस 3 का स्क्वायर 9 5. ये सब निकाल लिया हमने. अब फार्मूला पुट कर दे. तो फर्स्ट में क्या फार्मूला लगेगा? कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन बी, तो ये होगा ए डॉट बी अपॉन बी. तो ए डॉट बी कितना आएगा? 12 अपॉन बी कितना? 5. ये आंसर 12/5. और सेकंड का फार्मूला क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ बी अपॉन ए, तो ए डॉट बी अपॉन ए. तो a dot b कितना है? 12 upon a कितना है? root 13. तो ये आंसर. सर नहीं समझा कहाँ पर? सर आपने वो 12 निकाला ना उसके बाद से. क्या आपने ये 12 निकाला ना उसके बाद से? ये नहीं समझे. नहीं सर ये समझा बाद में. आपने वो 12 को 5 से डिवाइड. ये तो फॉर्मूला है ना. हां सर ये वेक्टर का फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन b. ये ही समझा क्या? नहीं नहीं सर आपने इधर i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई किया. हाँ तो j और k को भी करना चाहिए था ना. तो इस इधर j है ही ना. B वेक्टर में J का है. अरे हाँ ठीक है सर ठीक है. और A वेक्टर में K का है. हाँ सर हाँ समझा. तो 12 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, तो 12 ही आएगा. बाकी सब समझ में आ गया? हाँ सर. लिख लो. डन सर. इधर टेंशन. मैंने कुछ अलग तो ना किया. मैंने आई कैप को आई कैप से किया, जे कैप को जे कैप से किया, के कैप को के कैप से किया. अब जे कैप को जे कैप से किया तो 0 आया, और के कैप को के कैप से किया तो 0 आया. इसलिए आंसर सिर्फ 12 आया. ठीक है सर. तो ये ऐसा स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको. अब क्या बाकी है? कुछ बाकी नहीं है. वेक्टर प्रोडक्ट. यस. तो लिखो वेक्टर प्रोडक्ट. एक और नाम क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. हाँ हाँ. तो नेक्स्ट लिखो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. दोनों नाम है लिख लो. इसका रिजल्ट क्या होगा? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर. वेक्टर.
ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, इस प्लेन में दो वेक्टर है मेरे पास, ये मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। समझ में आया कौन से प्लेन में? इधर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, दोनों इसी प्लेन में, और जिस प्लेन में हम चलते हैं उस प्लेन में। समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन समझ में आया? यस सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें हम चलते हैं ना, वर्टिकल प्लेन जिसमें ये बोर्ड है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया है। इसके लिए हमने एक टेबल जैसा बना दिया था कि आपको क्लियर इसमें दिखे अच्छे से। तो ये कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता ही, वो तो होता है एबी कॉस थीटा, स्केलर होता है रिजल्ट। अब मुझे इनका निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमें पता है इनका रिजल्ट वेक्टर होगा। इनका रिजल्ट क्या होगा बोलो मेरे साथ? वेक्टर होगा, तो उसकी पॉइंट तो डायरेक्शन होगी। यस सर, वेक्टर होगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, तो उसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगा। तो वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताऊंगा, बट अभी पहले बता देता हूँ कैसे आई वो अभी बात बताऊंगा। तो वो जो रिजल्ट, उनका जो रिजल्ट आएगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन होगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। समझ में आया क्या? तो इस केस में ऊपर होगी, कैसे होगी भी बताऊंगा मैं। तो जो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने बोल दिया सी वेक्टर, उसको मैंने क्या बोल दिया? ये समझ में आया? अब इमेजिन हो रहा है सी वेक्टर कौन से प्लेन में? यस, वर्टिकल प्लेन। ए और बी तो इस प्लेन में, तो सी वेक्टर है वर्टिकल। अब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो कैसे बताएंगे अभी पता लगेगा। उसके लिए क्या रूल यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो किस डायरेक्शन में आता है, उसका एक रूल है सिंपल सा, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी बस ये मैंने बोल दिया इधर है तो इधर मान लो मैं कैसे आया बताऊंगा। अभी जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर क्या है? ये ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो पहले मैंने सी इक्वल टू लिखा था, C equal to A dot B निकाला था, क्योंकि ये C वहाँ पर स्केलर था। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? C vector is equal to किस किस का निकालना है? A और B का। तो A cross, अब सिंबल क्या यूज करूंगा? क्रॉस वाला dot B। समझ में आया क्या? Yes sir। सर नहीं समझ आया क्या चीज, क्या डाउट है? ये वाला ही, ये स्टार्टिंग से कुछ समझ नहीं आया, ये डायग्राम समझ में नहीं आया। हाँ ये डायग्राम में समझने का कुछ भी नहीं है, फिर भी समझ, पता नहीं क्या समझना है। देखो जस्ट डायग्राम से गिवन है, क्या गिवन है कि दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ तक समझ में आ गया? मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इन दोनों का मुझे निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका रिजल्ट आता है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर ही आता है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्ट आता है वेक्टर, और उसका सिंबल होता है क्रॉस। तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो एक वेक्टर आएगा, जैसे a डॉट b स्केलर आएगा, वैसे a क्रॉस b क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। अब वो जो वेक्टर आएगा उसकी एक पॉइंट ऑफ डायरेक्शन होगी, तो मैंने बोला वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा, कुछ बताया नहीं, तो अब भी डाउट है क्या? नो सर, अभी समझ गया। समझ में आया कि जो इन दोनों का जो a क्रॉस b आएगा वो एक नया वेक्टर है, c वेक्टर।
ये c वेक्टर जो है a क्रॉस b वेक्टर a, मतलब a और b का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने लिखा c वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। Okay. अब जो समझने की चीज है वो तो बताऊंगा, समझ में आया? हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा या डायरेक्शन भी होगा, या फिर ये जो a क्रॉस b वेक्टर है, a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दो चीज हो गया। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल, ये रूल यूज करके डायरेक्शन निकाली जाती है। ये रूल कैसे यूज करते हैं बताऊंगा, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, अभी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। और मैग्नीट्यूड, तो रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, उसको हम ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना? यस सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखो, क्या फॉर्मूला होगा? ए बी साइन थीटा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड है, अब मुझे c वेक्टर बताना है, तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा, और डायरेक्शन बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल से। अब डायरेक्शन देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है, ध्यान से समझना, ये हमेशा काम में आएगा फिजिक्स में भी मैथ्स में भी। देखो किस किस के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए और बी, ए और बी है ना। अब देखो यहां पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट वेक्टर आएगा और वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। सो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो अलग हो जाता है, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन और b क्रॉस a की डायरेक्शन अलग अलग आएगी, क्यों आएगी देखो, इसलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता है यहाँ पर, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों नहीं होता है देखो, देखो पहले मैं a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालता हूँ, किसकी निकालता हूँ, a क्रॉस b की, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये राइट हैंड है सबका, दस सबके पास राइट हैंड, ठीक है, यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे यूज करेंगे देखो, ये राइट हैंड लिया मैंने, अब सबसे पहले तो मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अब ये जो फिंगर्स है चारों फिंगर्स, इनको मुझे मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो इन चारों फिंगर्स को ए की तरफ रखो, तो ए की तरह उस तरफ है ना, ए यस सर, हाँ, तो ए की तरफ रखा और फिर इन चारों फिंगर्स को बी की तरफ घुमा दो, अब बी की तरह इस तरफ, तो ऐसे घुमाऊंगा, यस सर, यस सर, यस सर, और बी की तरफ घुमा दिया, ए क्रॉस बी में ऐसे ही कर दे, ए की तरफ, ए क्रॉस बी मतलब ए की तरफ पहले रखो और फिर बी की तरफ घुमा दो, अब ऐसे घुमाते वक्त, अब कभी भी ऐसे भी घुमाना है, मान लो बी उधर होता तो कभी भी उंगली ऐसे नहीं घुमा सकते, ऐसे घुमा सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकते, हमेशा ऐसे ही घुमाना है ना। तो अगर b इधर होगा, जैसे b, अगर b वाला वेक्टर इधर होगा तो फिर फिंगर्स को ऐसे रखें और ऐसे घुमा, समझ में आया, और फिर से इधर है, इधर है तो a इधर, b अंदर की तरफ, अंदर की तरफ घुमा दो, अब थंब को खोलो, थंब या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, तो थंब किधर खुल रहा है, ये ऐसा करते वक्त ऊपर, तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन आएगी ऊपर, इसलिए मैंने ऊपर बनाया, ए क्रॉस बी डायरेक्शन, हां
समझ में आ गया एक्स कॉस थीटा की डायरेक्शन? यस सर। नो सर। नो बोल रहे हो क्या? बोल रहे हो मुझे नो सुनाई दे रहा है? नो बोल रहे हो क्या? नो सर, नो सर। हाँ देखो, फिर से देखो, फिर से एक कॉस की सबसे पहले तो ध्यान लगाओ इधर कि ए किधर है और बी किधर है। ए इधर है, मैं मार्कर से बताता हूँ, ए इधर है, ठीक है, ये ऐसा है, ए तो इधर है एक्स एक्सिस और बी इधर है कुछ किसी एंगल पर। तो सबसे पहले तो ए की तरफ इनका रखो और बी की तरफ ले जाओ, तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर। समझ में आया क्या? ये ब्लैक वाला बी वेक्टर है और रेड वाला ए वेक्टर है, तो ए की तरफ फिंगर्स को रखो और बी की तरफ ले लो। ए को उसमें निकालने के लिए ए की तरफ फिंगर्स रखेंगे और बी की तरफ ले जाएंगे, तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर पर आ रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब समझ में आ गया? यस सर। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखते हैं। अब किसकी देख रहे हैं? ए क्रॉस बी का हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया। अब बी क्रॉस ए, अच्छा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं होता है। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी यही रहेगा, ए बी साइन थीटा, ओनली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओनली क्या चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखो, देखो मैंने क्या बोला था, ए ये रेड वाला मार्कर जो है ये ए वेक्टर है और ब्लैक वाला है बी वेक्टर है। अब बी क्रॉस ए निकालना है तो मुझे बताओ फिंगर्स ए की तरफ रखूं या बी की तरफ रखूं? B. जो पहले बोलते हैं, जो वेक्टर हम पहले रख रहे हैं तो B पहले, तो B की तरफ फिंगर रखो और A की तरफ घुमाओ। तो मैंने आपको ये भी बोला है कि आप इससे उल्टा ऐसे नहीं घुमा सकते, तो फिंगर्स को ऐसे रखो या ऐसे रखो? सर डाउन। अब B से A की तरफ इधर घुमाओ क्योंकि A इस तरफ है, तो B की तरफ मैंने फिंगर रखा और A की तरफ ऐसे घुमाया तो थंब किधर आ रहा है? डाउन। Down. इसके B cross A vector, B cross A vector की direction just opposite आती है A cross B की direction। A cross B ऊपर आ रहा था तो B cross A नीचे आएगा। और देखो दोनों A cross B हो या B cross A हो, ये दोनों A vector और B vector का से जो plane बनता है उस plane के perpendicular होते हैं। होते कि नहीं होते? देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। समझ में आया? अच्छा। तो अब क्या कह सकता हूँ? A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नो। ये सही है क्या? नो सर। नो सर। इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी सेम। तो देखो दोनों के, इसकी डायरेक्शन नीचे इसकी डायरेक्शन ऊपर, तो ये गलत है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। देखो A cross B is minus times of B cross A, क्योंकि दोनों का magnitude तो equal ही है, only direction 180 degree opposite है, तो 180 degree मतलब minus, तो ये सही। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? थर्ड वाला? यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना दोनों का, ये यहां से यहां तक की लेंथ है उतनी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है, ए बी साइन थीटा, तो ये भी सही है। ओनली ये एक ऊपर वाला गलत है,
अच्छा क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस सर, ये भी सही है क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और इक्वल टू जीरो होगा, तो ये भी सही। लिख लो ये सब बातें, ये सब ऑप्शंस में आ जाती है कौन सा सही कौन सा गलत है। सर सर इसका फोटो एक ग्रुप पे डाल दो ना, अभी आपका स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। रुको मैं डालता हूँ। कौन से वाले ग्रुप पे डालूं, दोनों में डालूं क्या? सर बीवी वन अपना फिजिक्स वाले में डालते, फिजिक्स डिस्कशन में। बीवी वन या बीए वन? बीवी वन फिजिक्स डिस्कशन। ओके सर। देखो बाकी सब मिल गया। हाँ सर मिल गया। देख लो, चलो ये भी बढ़िया तरीका है, बोल दिया करो मुझे। डन सर। डन Yes, sir. तो इस कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट शोल्डर में बोलते हैं आर एस टी आर, राइट हैंड थंब रूल। याद क्या रखना है इसमें कि ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ फिंगर रखो, बी की तरफ घुमा दो, ए की तरफ फिंगर रखो, ए की तरफ, और थंब अपने आप आपको बता देगा। तो थंब हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा, जिस भी प्लेन में ए ही है उसके परपेंडिकुलर है, तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, मतलब जो भी प्लेन, मतलब ए और बी का प्लेन वर्टिकल है, तो थंब फिर या तो इधर आएगा या तो बाहर आएगा या अंदर हॉरिजॉन्टल, ठीक है? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस। और बी वेक्टर पैरेलल है तो ए भी कितना आएगा, ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, ए बी साइन सर यार बहुत ब्लर, बहुत ब्लर हो रहा है, नहीं दिख रहा, और आवाज भी अटक रही है आपकी बहुत। जब लिखा तब मैं फोटो भेज दूंगा, अभी सिर्फ मेरा आंसर बोलो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो बताओ कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है सर, आपकी आवाज अटक रही, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। जीरो सर, जीरो आएगा। हाँ जीरो आएगा, जीरो आएगा।
साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है ना, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? जीरो। समझ में आ गया? यस और नो बोलो। यस सर। एक बात हो गई। बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या? सर आपने अभी कुछ सीखा है क्या? हेलो सर। हाँ सर, ये केस वन रिपीट करो ना, सुनाई नहीं दिया था ठीक से। हाँ करता हूँ, कभी नेटवर्क सही हो जाता है तो एक मिनट। दिखने लग गया क्या? नहीं सर, अभी भी ब्लर। नो सर। हाँ अभी स्पीड कम आ रही है मेरे नेटवर्क की। पूरा फ्रीजी हो गया है। हाँ सर। सर लिख नहीं रहे, इसके लिए फ्रीज हो गया है, कोई खड़ा ही नहीं उधर। आज थोड़ा बहुत बाकी है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मेरे इस पर भी नेटवर्क स्पीड कम बता रहा है। यस सर। यस सर। वॉइस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सर को भी काम है सर, जैसा पीडीएफ देना था लेक्चर खत्म होने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आवाज आ रही है नहीं आ रही? ओके सर, क्लियर नहीं आ रही। ओके सर, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा बाकी वो करके फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और मैं होमवर्क दूंगा वो करके लाने। डाउट आपको इस पे डाले ना, ग्रुप पे डाले ना। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। कोई वीडियो अपलोड कर देना जितना।